हेलो दोस्तों, फिर सब सभी का स्वागत है टेक गुरु चैनल पर। और मैं हूँ आपका दोस्त टेक गुरु। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। होप आप सब लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे और सेफ होंगे। दोस्तों, काफ़ी टाइम से थोड़ा सा बिजी था ऑफिस काम से, तो फुर्सत नहीं मिली थी। आज जैसे ही मुझे टाइम मिला है, मैंने वीडियो बनाया दोस्तों। ठीक है, काफ़ी टाइम से आप न्यूज़ सुनते रहे होंगे कि दुबई इमिग्रेशन पे इतने लोग ऐसे ऐसे है, ये है, किस वजह से हुआ है। ठीक है, आज मैं इस बारे में आपके साथ थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। पहले तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, दुबई इमिग्रेशन ने इन लोगों को इसलिए रोका है क्योंकि उनके पास इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स है। ठीक है, डॉक्यूमेंट अगर आपके पास सही से नहीं हो तो आपको दुबई में एंट्री अलाउड ही नहीं है। अब आप बोलोगे कौन से डॉक्यूमेंट्स सर हमें चाहिए, किस तरीके से चाहिए, तो आज मैं ये वीडियो उसी के ऊपर बना रहा हूँ कि अगर आपको दुबई ट्रैवल करना है तो आपके पास क्या क्या होना ज़रूरी है। ठीक है, पहले कैसा था, आप बस टिकट निकालो, वीज़ा निकालो, किट बोर्ड करो, PCR टेस्ट लेके आ जाओ। मगर अभी जो है वो हालात थोड़े से अलग हैं, तो अब जो प्रोसेस है वो इस तरीके से है दोस्तों। अगर आपने दुबई आना है तो आपके पास वैलिड वीज़ा, वैलिड पासपोर्ट, टिकट आने और जाने का, ये मैं पहले से ही बोलता हूँ, अभी नहीं, तकरीबन जब से मैं वीडियो बना रहा हूँ तब से बोल रहा हूँ मैं आपको, आपके पास दोनों टिकट्स होने ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद वीज़ा के साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं वीज़ा प्रिंट आउट के साथ, तो वो फिलअप करके वो फॉर्म आपके साथ होने ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ आने के बाद होटल बुकिंग ज़रूरी है। ठीक है, होटल बुकिंग अगर आपके पास नहीं है तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा दुबई में एंटर होने से। ठीक है, उसके बाद आपके पास 2000 दिरहम्स जो है ना वो कैश में होने ज़रूरी है, कैश। ठीक है, और इस तरीके से अभी बेसिकली मैं ये ही आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, PCR टेस्ट जो होता है ना, कोविड टेस्ट, काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आता ये PCR क्या है, तो कोविड टेस्ट जो होता है वो इम्पोर्टेंट है दुबई में एंटर करने के लिए, और वो भी चाहिए 96 आवर्स पहले का। ऐसा नहीं कि आपके पास 10 दिन का पहले का है, 1 हफ्ते पहले का है तो वो चल जाएगा, नहीं, आपके पास मतलब अभी जो है वो आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंटेशन क्लियर होने चाहिए। अब मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी कहना चाहता हूँ इस वीडियो में कि अगर प्रॉपर आपको पता नहीं है तो टिकट नहीं निकालो दुबई आने का। ठीक है, वेट कीजिए, पूरी जो भी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है वो पहले इन्फॉर्मेशन लीजिए और फिर ही आपने दुबई आना है। ठीक है, क्योंकि इवन आपको इंडियन इमिग्रेशन से छोड़ दिया तो आप यहाँ पर दुबई इमिग्रेशन में शायद फंस सकते हो। ठीक है, वहाँ से फिर आपको वापस भेजा जा सकता है, इसलिए आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट जब तक नहीं है आप पूछ लीजिए, जिसको पता है उसको पूछ लीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझसे ही आप पूछो, मेरा ही कंसल्टेशन ले लो, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पे आपको लगता है ये बंदा जेन्यून है, ये बंदा सही से इंफॉर्मेशन देता है, तो आप उसको पूछ सकते हैं। ठीक है, हर वीडियो में एक नंबर में आजकल फ्लैश कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, उस नंबर पर कॉल कर रही है। अब काफ़ी लोग ये भी मुझे बोलते हैं कि सर वो नंबर बिजी रहता है, कभी कह देंगे कभी आंसर नहीं करता है। देखो, जो आंसर करता है वो भी एक ह्यूमन है, वो भी थकता है। काफ़ी बार ऐसे होता है कि लोग 12-1 बजे रात में कॉल करते हैं, इस तरीके से नहीं करो। ऑफिस टाइमिंग रिलेटेड कॉल करो, 10 बजे के बाद, 6 बजे से पहले, इस तरीके से कॉल करो। बिजी है तो फिर बाद में ट्राई करो। ठीक है, और बस यही आपको थोड़ा सा बताना था। ट्राई करूंगा मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाने का डिटेल में कि क्या एग्जैक्टली प्रोसेस अभी दुबई आने के लिए है, और उसमें मैं सारे पॉइंट्स जो है ना वो कवर करूँगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बाय बाय।